यू नो यू शुड मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग, यू शुड मैनिफेस्ट व्हाट यू गोना डू द नेक्स्ट डे, ऐसा कुछ है एडवाइस किसी का जो द थिंग दैट यू वांट टू शेयर दैट हैज स्टक विद यू? अगर सुबह पॉटी नहीं करोगे तो पूरा दिन गंदा जाएगा. राइटली सो. But Shabat, thanks for being here, bhai. No stress. Yeah. Thank you. मेरे को वैसे ना बहुत देर से मैं गा बॉयज को बोल रहा हूँ कि अगर गा को एक्सपेंड कर सकते हैं तो एक पॉडकास्ट होना चाहिए. काफी अच्छी बात है, I think, casual conversation hold करने के लिए. और शब्द बहुत देर से चल रहा था bro, ये मेरे दिमाग में तो. I mean, I had this loop for almost a year. फोन को ना गायब कर देते हैं. Fuck the phone. Put it on D&D. What is D&D? Do not disturb. अच्छा, I thought airplane is the word for that. No. D&D is basically आपको फोन आते रहते हैं, but वो कट जाता है अपने आप ही. So you're not out of the world. डरते नहीं है ना घर वाले. D&D is like what when they call you then? तो अगर मम्मा पापा करेंगे तो बज पड़ेगा फोन. You can set who can. तो अगर जैसे मैं काम कर रहा होता हूँ, so I put it on D&D. उसमें सर जो चार दोस्त हैं, घर वाले और का बस वो थोड़े से 10 नंबर हैं जो मेरे को फोन कर सकते हैं, बाकी आई सेट इट ऑन D&D ताकि कोई अननेसेसरी. लाइक इट, वर्क फ्लो बनता है यार. अच्छा, नाइस. अच्छा ये बताओ आपका, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, चाइल्डहुड बताओ. हाउ डिड इट स्टार्ट? व्हाट ऑल डू यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड? Yeah, काफी याद है childhood. Where do you want me to dwell on the most? Wherever you feel, wherever you see the happiest of yourself in that childhood. Yeah, strawberry fields का ना sand pit याद है, बड़ी major मेरे को. आप strawberry से पढ़े हो? For the first 2 years, वो जो LKG, pre-KG, whatever, nursery. Sector 24. Yeah. Good vibes. फिर बड़े हो गए, फिर St. John's चले गए. वहाँ पे बिगड़ गया. कहीं बिगड़ूंगा, चलो बिगड़ना. इन द सेंस आई बिकेम अ बिट मिस्चीवियस, थोड़ी बंक करने क्लास. कहाँ जाते थे बंक करके? कहीं नहीं, मेरे पास वो आई वाज द मैगजीन एडिटर, तो मैं कहता था कि मैं काम करने निकल रहा हूँ. गोवा विलियम अर्ली स्कूल में छत पर बैठ गया, वापस आ गया नीचे. सम गुड फन. हाउ मच डू यू मिस दैट सैंड पिट? सैंड पिट की नहीं इतनी, बट थोड़ा अब लगता है कि लाइक आई एम ग्रोइंग ओल्ड. वो थोड़ा हिट करती है ना, हथौड़ा लेके आता है कि यू नो फक ऑफ, योर देयर इज नो स्टॉपिंग टाइम. रोज निकलता है, इट वोंट वेट फॉर यू. ऐसा लगता है आपको कि आई हैव लेस टाइम एंड आई नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स, आई नीड टू कवर अप थिंग्स? या मेरे साथ तो आजकल बहुत हो रहा है. रोज होता है मेरे साथ ये कि 400 चीजें करने के लिए. हाँ, गाने कहाँ चल रहे हैं भाई? Bro, this is happy Diwali vibe, bro. ये बार भजन कीर्तन चल रहे होता है. Welcome to India, sir. Good shit. Vibes. This is necessary, you know, all this background music. थोड़ी vibes अपने आप ही add हो रही होती हैं. बस, ये जरूरी है. बिल्कुल white noise है ना, तो बड़ा ही distracting लगता है मेरे को. शांत मतलब it's like recording studio में अगर आपको बंद कर दो 24 घंटे के लिए, मैं नहीं बैठ सकता. शब्द मेरे को तो उधर बहुत मजा आता है recording studio में, तो कसम से. मतलब रिसेंटली दिस लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट माय ओन इंस्ट्रूमेंट, जब मैं जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको लुधियाना में वेव ट्रैप में, ब्रो द एक्सपीरियंस इज सो स्पिरिचुअल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब समटाइम्स आई फील दैट आई एम वन विद द होल स्पेस. और ये मैंने जान पूछ के लुधियाना चूज किया था. मेरे पास ऑप्शन थे दिल्ली के, ऑप्शन थे बॉम्बे के. लुधियाना इसलिए चूज करा कि एक्चुअली उस जगह में वो वाइब है, वो स्पिरिचुअलिटी की वाइब है आलम के पास, जो बहुत दिग्गज बोल के गए हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्होंने वो. सो या मेरे को तो वो दैट नथिंगनेस समटाइम्स यू नो वंस अ वीक सूट्स. और कैसा जाता है आपका रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, क्या रहता है वहां पे? ब्रो द रीजन व्हाई आई गो देयर इज नॉट टू रिकॉर्ड, जस्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ वाओ मैन, आई एम आउटसाइड माय कंफर्ट जोन एंड द रिकॉर्ड बटन इज ऑन. Someone's paying for this and you have to perform. That feeling is, matlab wo hai, jab when you get out of your comfort zone, you experience something beyond.
जो मैं घर पे भी कर सकता हूँ रिकॉर्ड, मतलब आई कैन हैव अ कंफर्टेबल स्पेस वेयर इट्स इजी कि भैया चल 6 टेक हैं ले लेंगे, 7 टेक ले लेंगे, बट नहीं प्रैक्टिस करके जाओ और एक या दो टेक में करो, उससे ज्यादा नहीं, पर मजा आता है बहुत ज्यादा. मतलब द एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉर्डिंग द होल एल्बम, द इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग सरील. अभी तो और है रिकॉर्डिंग, तो अब तो बस प्रोसेस ऑन है ब्रो, प्रोसेस ऑन है, तो बंद ही नहीं होनी रिकॉर्डिंग. हाँ हाँ, कभी कभी तो मेरा मन करता है पीछे चल रहा है ना, जग रहा था, इस पे जाके रिकॉर्डर लेके घुस जाऊं. घुस जाओ. हाँ, मैंने भी यही तो करना शुरू करा. मैं ले जाता हूँ फोन, फोन है मेरे पास, रिकॉर्डर नहीं है, आई यूज माय फोन, बट जाके रिकॉर्ड करो एम्बिएंट नॉइजेस, क्रिएट सम वाइब्स. रिकॉर्ड करनी बड़ी जरूरी है वाइब्स लाइफ में. थोड़ा मॉटल हो जाती हैं वो चीजें, यू ठप्पा लगा देते हो अपना उस चीज. जब आप सेंट जॉन्स में थे हाँ, तो आपको ऐसा हुआ शिट यार स्ट्रॉबेरी टीक था, कोविड था, कहाँ आ गया मैं, ऑल बॉय स्कूल में, ऐसी वाइब थी ना? हाँ, स्कूल में तो यार स्टडीज का होता था इशू मेजरली. आपको मैगजीन का नाम याद है जिसके लिए आप यूज्ड टू सोरिंग ईगल मैगजीन? ओ बेटे, क्यों, क्या 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 होता था उसमें? तभी होता था जो जो स्कूल में हो रहा था सारा कुछ, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फोटोग्राफ एवरीथिंग, फोटोग्राफ कैटलॉग बनाया हुआ था हर एक चीज का, जो सुबह मॉर्निंग असेंबली भी होती थी उसकी भी होती थी फोटो, हर चीज की फोटो होती थी फ्रॉम क्लास 9 टिल क्लास 12, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन लाइफ. सो यू यूज्ड टू फोटोग्राफ? हाँ, वहां से आप इंट्रोड्यूस हुए? उससे भी पहले वैसे तो. कैसे, जस्ट टेल मी अबाउट दैट. माय ब्रदर यूज्ड टू डू फोटोग्राफी, फिर उसने छोड़ दी, वो भी एडिटर ही था स्कूल का. देन ही, हमारी एक स्कूल में फोटोग्राफी क्लास होती थी आफ्टर स्कूल आवर्स, एंड देन वहां पे आई लर्नड इट, वहां पे माइकल सर होते थे, उनसे सीखा. सो मतलब जो इनिशियल बेसिक्स थे वो आई थिंक आई अटेंडेड इट फॉर अ ईयर. आफ्टर दैट माय ब्रदर टुक इट अप, देन ही लेफ्ट इट, आई टुक इट as a passion project. मैंने कहा चलो चलता रहता है सही. Then I think was, हाँ, फिर उसके बाद phone आ गए, then it just became easier to document everything. बड़ी अच्छी बात है that you embrace the phone, you know, because my photographer friends they say like शुरुआत में उनको phone, वो ऐसा कहते थे कि हर किसी पास phone है, हर कोई photographer बना फिर रहा है. But being a photographer, when you embrace a phone, you use that as a tool, that is great, isn't it? आपने वाइस सिटी खेली आज तक? यार गेम्स मैंने लास्ट जो गेम खेली वो खेली है आपका, डू यू हैव एनी रिमेम्बरेंस ऑफ अ थिंग कॉल्ड वेब वर्ल्ड इन सेक्टर 9? रिलायंस का एक, आई थिंक सो, हाँ, रिलायंस का एक साइबर कैफे टाइप इन्होंने खोला था, रिलायंस नया आया था, तो वहां पे वी यूज्ड टू प्ले काउंटर स्ट्राइक, CS:GO, काउंटर स्ट्राइक, ओल्ड स्कूल काउंटर स्ट्राइक. CS:GO थी या ग्लोबल असॉल्ट थी या कोई था, जो सबसे पहली काउंटर स्ट्राइक है जिसका कल्ट स्टार्ट हुआ था वो ब्रो. उसमें SS ड्यून करके एक मैप होता है, ड्यून या ड्यूक करके, न्यू मेरे को जो याद है वो था एस्टेक. हाँ एस्टेक, हाँ वो फन. भाई मेरे को सपने में ऐसे आते थे कीज, मतलब कि मैं ऐसे खेल रहा हूँ सपने में, वो सो टॉक्सिक. आई थिंक बैलेंस करना जरूरी है वो चीज. कैसे? मैं तो खेलता ही हूँ गेम्स, आई स्टिल प्ले, बट कंट्रोल करके खेलो यार, दो घंटे से ऊपर नहीं करना टाइम का. बट आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाटएवर. यस, इट फॉर मी इट्स स्टिल रिलैक्सेशन प्रोसेस, कि अगर मैं रात को काम कूम कर लिया, सारी दुनिया सो गए, ऑन करो कंसोल, खेलो घंटा भर, बंद कर दो, सो जाओ. व्हाट आर यू प्लेइंग नाउअडेज? आजकल बंद करा कुछ नहीं, वेट कर रहा हूँ, फेब में आनी है एक फार होराइजन जीरो, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट करके गेम आएगी, वो खेलनी है मेरे को, सो आई एम सेविंग मनी फॉर दैट, आई डोंट बाय दैट. एक बात बताओगे जो आपके, how was learning from Michael sir was like, how was it like the whole experience?
आपको ऐसा था कि ओ आई फाउंड माय टीचर? हाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम तो था. स्कूल में तो बहुत चल कर आया हूँ तब, तो क्योंकि बैंड के साथ भी इन्वॉल्व थे स्कूल में थोड़ा बहुत. इज दिस द म्यूजिक टीचर यू टॉकिंग अबाउट? या या, ही यूज्ड टू टीच फोटोग्राफी आल्सो. हाँ, वो बड़ी सारी चीजें सिखाते हैं स्कूल में. अच्छा अच्छा, आई हैव हर्ड दिस नेम सिंस एजेस. हाँ, काफी वो कूल डूड वाली वाइब में थे. अब आजकल कहाँ है वो? स्कूल में आई थिंक. वो अभी अब आई थिंक फोटोग्राफी नहीं करते, बट बैंड बूंद वाला तो चलता ही. आई थिंक आई डोंट नो पोस्ट कोविड क्या है उधर. बढ़िया. तो आपकी जिंदगी में सबसे एक दो तीन लोग, सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन रहे हैं आपकी जिंदगी में दैट हैव इंस्पायर्ड यू? कुड बी एनीबॉडी. लाइक मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी माताजी रहे हैं इंस्पिरेशन. कभी कभी तो मैं अपने भाई से भी सीखता हूँ. He's got a heart of gold. Mine is a little gray. काला है कि ग्रे? अब काला तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा सफेद भी है. थोड़ा सा सफेद वो मिक्स हो जाता है फिर. अच्छा, पर अभी आप कह रहे हो गोल्ड. माय ब्रदर्स, नॉट माइन. फिर ग्रे क्या है? व्हाइट इज प्योर. मेरा है. व्हाइट इज प्योर. हाँ. ब्लैक इज डार्क. हाँ, मतलब नेगेटिव. हाँ, अभी ग्रे एरिया ठीक है. मेरे टीचर्स कौन? हाँ, सो थ्री मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन योर लाइफ. सोचना पड़ेगा यार, काफी मेजर क्वेश्चन है यार. रफ है? हाँ, थोड़ा रफ है. मतलब बाईपास करना? हाँ, बाईपास. जैसे अपना क्या कहते हैं, हार्ट प्रोसीजर भी तो होता है बाईपास. यार बाईपास मेरे दिमाग में तो फ्लाईओवर का बाईपास आता है, किसी जगह का बाईपास. जैसे पहाड़ों में जा रहे हो तो बाईपास ले लो, ये ले लो. कैसा लगता है आपको पहाड़? वाओ ब्रो, क्या क्वेश्चन पूछा आपने यार. फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई वॉज इन लव विद द माउंटेन्स. मतलब मेरे को टाइम मिले, जैसे आप वीडियो गेम खेलने जा रहे हो, मैं 3 घंटे के लिए पहाड़ों में चले जाऊंगा. सुना है मैंने, ऐसा था मेरे साथ लिटरली. मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. हुआ ये एक एक्सपीरियंस हुआ कि इन लोगों ने ना नया हाईवे बनाना स्टार्ट करा. अब देखो, जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो 20 साल पहले तब भी हाईवे बना था. अब 20 साल बाद फिर एक बड़ा हाईवे बनेगा. मेरे सामने मेरी मेमोरीज के जो पॉइंट्स थे उधर, जो पेड़ थे वो कट गए. सो आई इट हर्ट मी, यू नो. फिर मैंने कहा ओ शिट, दिस इज नॉट हैपनिंग. सो वो इमीडिएट विड्रॉल हो गया उससे मेरे को कि यार आई कांट सी दिस. तो आप मानोगे नहीं, मैं कम से कम 3-4 साल गया नहीं पहाड़ों में. मैं व्हेन आई टॉक अबाउट पहाड़, आई टॉक अबाउट द क्लोजेस्ट, यू नो, शिवालिक रेंज यहाँ से जाने वाला. तो मेरा तो इट वॉज अ हार्ट ब्रेक सीइंग ऑल दोज ट्रीज गॉन. और मैंने फिर 3-4 साल कुछ नहीं किया. फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ वाटर, which I can also say the sea. और bro, फिर मेरा एक नया प्यार स्टार्ट हुआ समुंदर से. ओहो, मैं भूल गया. फिर मैं गंगा गए गंगा, जमुना गए गोवा हो गया मैं फिर. हाँ, यहीं पे वीडियो बने थे उसी वेव के ड्यूरिंग था ये. कौन सी वीडियो? मतलब जब वेटर बने थे. हाँ, तो ये उसी के ड्यूरिंग था ये, जब ये समुंदर वाला प्यार शुरू हुआ था. यस यस. और मेरे को वाटर in some aspect also inspired me to work hard. मैं तो उसको उसी का वो कहूंगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा natural source जो मेरे पास थी उस time पे, which was giving me energy and whatever, like back of the mind in the background there was just a sea noise. I won't call it noise for the lack of the better word. वो जो that beautiful ambient music of sea was my drug for working hard. Amazing. पूरा टाइम ब्रो, पूरा टाइम. इट वाज लाइक थ्रू आउट. ये नोटिस कर रहे हैं दैट व्हाट द सी नेवर, वाटर नेवर स्टॉप्स वर्किंग. चाहे वो रिवर होए, वो फ्लो करी जा रही है. वो पर एंड में जाती है, पर वो तब भी किसी और बड़ी चीज में इन्वॉल्व हो जाती है, और वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एब एंड फ्लो में चलती रहती है. यू आर राइट यार, इट्स कॉन्स्टेंटली वर्किंग, इट नेवर स्टॉप्स. गुड ऑब्जर्वेशन. ना? आपको कभी लगता है कि आपको भी ऐसा कोई नेचुरल उसकी तरह होने लगे रहो काम करने? धूप से होता है यार मेरे को. क्या? आई थिंक मतलब नॉट पर से लाइक यू, बट
धूप से द सन रियली अफेक्ट्स माय मूड इन अ गुड वे. हाँ, अगर नहीं निकलो होगा सन स्पेशली पीक विंटर्स जैन दिसंबर, प्रोडक्टिविटी ऐसे ऐसे जाती रहती है जाती रहती है जाती रहती है जब तक तो वो फेब का महीना नहीं आता. टिल देन इट्स अ बिट डिफिकल्ट. So you like the sun and you want to be out. You want to June ka sun nahi pasand mere ko bhai. You can ask that sun to fucking get out. Yaar wo kya kare? Kya kare ab? To hamari galti hai. Chalo. Wo June ka sun main samajh sakta hu. But yaar best cheez ye nahi rahegi ki acha June ka sun mujhe garmi lag rahi hai. Chalo main bahar aa raha hu. Ab aa jao. I'm going to talk to my body and make it love this June sun. Heat stroke ho jayega bhai. मैंने किया था ये पिछली समर्स में. मैं पीक 12 बजे समर्स में मैं फ्रिस्बी लेके पंडित जी के साथ खेलने जाता था. क्या उन्होंने एम्ब्रेस दिस सन, ये मेरे मत्थे पे आ जाए टैन हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. और बट मैंने किया, फिर मेरे को ये हो गया 15-20 दिन बाद की बस हो गया मेरा. डोनाल्ड ट्रंप जैसे लगना शुरू कर दोगे. हां, मेरा वाइटनिंग हो गया इंटेंस. नाइस. यहां पे तो अब तो सप्लीमेंट करना पड़ता है लोगों को. वो तो they can't soak in the sun. मैं सुबह नहीं ले पाया. मैं usually बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट खाता हूँ धूप में. It's a very good habit. Winters only. Winters only मतलब till April and then cheers. Cheers. एक sip लो यार. बड़ी देर से कॉफी नहीं देखी मैंने आपका. ये हमारे special cups हैं. Are these special for the podcast? Absolutely. Without the sticker. हाँ. नहीं लेके आया. या नीचे पता नहीं कितने वैरायटी के पड़े हैं. मेरे को ये सबसे ज्यादा अर्दी और रॉ लगा है. हाँ, हम वैसे बाकी डेकोर के साथ भी जाते हैं. आपका नीचे वाला ब्राउन तो ब्राउन ही है मतलब. इट्स द सेम एज दिस प्रीटी मच. इट्स जस्ट ऊपर वाला हाफ दैट गोज विद द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग. वो मेरी सॉक्स के साथ जा रहा है. सॉक्स स्वेटर ब्रो. ये आपने कहां से लिया पहले मुझे ये बताओ. आई वांट टू यूज दिस फॉर अ म्यूजिक वीडियो. ये कहां से लिया आपने? This is so chatak and so subtle at the same time. Not even kidding. Shuru ho jao. Ye loop laga tha last year. Jab I saw this, there's this group on YouTube Sideman karke. Unhone merch nikali. Phir maine dekha, fuck. Ye to bahut cool hai. Ultra cool hai ye cheez. Phir maine mangai. Ek saal try kara mangane ki. Kahe? Matlab it took effort. ये एफर्ट ये नहीं था कि खरीदना. क्योंकि कोविड चल रहा था, ट्रैवल बंद था, कोई यूके से नहीं लेके आ सकता था यहाँ पे. सो जब वो जिस दिन मेरे को बंदा मिला, मैं पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ये ले आ, प्लीज मेरे ले. मैंने मंगाई उसके घर, आ गई बर्थडे गिफ्ट. उत्तराखंड में ऐसी चीजें मिलती हैं. अच्छा था यार, मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे गंदे जोक्स. पता है गंदा जोक होना चाहिए जो उस टाइम पे हंसा दे कि ओ ये वो सो सैड बट आई It was still funny. मतलब क्रिंजी नहीं होना चाहिए. ये क्रिंजी था? नहीं नहीं, क्रिंजी कहाँ से था ये. या तो टाइमिंग होनी चाहिए. टाइमिंग is impeccable. तो इसके कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको? I don't think. I think ये आधे लोगों के सर के ऊपर से चले आती है हुडी. और से मैं यूज कर सकता हूँ शब्द आपकी इजाजत है तो. हाँ कर लेना. अब मुझे ये बताओ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू एवर गॉटन जिंदगी में. वर्स्ट बता सकता हूँ. वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सुना आज तक? Worst compliment? That's interesting. Batao. Me and my elder brother, हम सिंगापुर गए थे बहुत साल पहले 2005. एयर होस्टेस आके मेरे भाई को कहती है यू लुक लाइक अ मिनी टॉम क्रूज. मेरे को आके कहती है यू लुक लाइक अ मिनी सलमान खान. पक्का That was funny. मिनी सलमान खान कौन बोलता है भाई? और कोई नहीं मिला. शाहरुख भी नहीं मिला, आमिर खान भी नहीं मिला, सलमान खान मिला. कब मैं जो तेरे नाम वाला वो हेयर कट याद है उस भाई का? तब कराया था आपने? नहीं नहीं, नॉर्मल यार पार्टिंग जैसे बच्चों के होते हैं. भाई तो उसने तो तेरे नाम ने आई थी रिसेंटली आई थिंक. कब आई थी तेरे नाम? तेरे नाम तो बहुत सालों पहले आई थी भाई. क्या 2002 में आई थी तेरे नाम? हाँ मुझे याद नहीं बट हाँ. मैं तो उस औरत को उसके बाद कोई और पिक्चर नहीं देखी थी क्या? क्या यूज़लेस चीज़ है, क्या यूज़लेस कॉम्प्लीमेंट है ये. फिर उसने एक्टर अपने प्लेन में ही देख लिया. यार क्या करें. अपना डेली रूटीन बताओ मेरे को. जैसे मैं तो
I've made it a point that I wake up. What time do you wake up? At 7:30. Hmm. 7:30-ish, piche aur aage. That's my goal aur jo main touch foot follow kar raha hun. Good. Ek ded saal se. What's your daily routine like? Wake up. Around 10. 9:30. Get out, breakfast khao. Play with the dog. Get ready. Kaam pe jao. 7 o'clock wapas aao. Cycling jao. Workout karo. Then, so jao. Beech mein ek aadhe bande ko mil liye, relax ho gaya thoda. Drinks ho gayi over the weekend. But other than that, nothing. This is work and vibes. Working vibes? Working vibes. Maza aa raha hai kaam karke? Mere ko to bahut maza aata hai. Aajkal to, I don't know, past 2 days have been a bit slow. But otherwise, to on point, bro. Matlab, work has been good. Thode random aur projects bhi kar raha hun. To wo sahi hai. Thoda experiment karne ko mil raha hai abhi life mein. Jo mila nahi hai aaj tak opportunity, but chalo, sahi hai. Aa rahi hai wo cheez abhi. By the way, this Satrangin Rang Biranga guy, he is going to handle all the editing for all the podcasts that will come. Shabad Sareen. Thank you. Presenting. Rainbow hi bolte the yaar. Satrangin sahi laga. Apna gana bhi ek Satrangin. Satrangin are 7 colors, right? Hmm. Oh, did you see this rainbow a few days back? Photo bhi khichi maine. Jo pura aaya tha, ki jo half aaya tha. Do the bhai. Aap late aaye the, do the. Full rainbow jo hota hai. Full rainbow tha bhai. Haan, paradise. Photo khichi hai. Paradise rainbow tha. Main keh raha tha ki ye kahan aa gaye bhai. Tabiyat kharab thi meri. Hmm. और मैं ऊपर देखा और मैंने कहा ओ तबीयत बिल्कुल ठीक पक्षी देखे उड़ते हुए मौसम देखा और सब फोन लेके अपनी छत पे आए हुए थे यूनिसन यूनिसन ऑफ एक्शन ह्यूमन आई गेस सो हां एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग जो सही है यार कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं थिंग लाइफ में जिनके साथ आप कर सकते हो ये कि अब सारे लोग ही एक ही बारी में कर रहे होते हैं फिर कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा फक द रेनबो बिकॉज रेनबो इतनी यूनिक चीज है तो सब देखने आएंगे आपको याद है जब छतबीर जू में व्हाइट टाइगर लेके आए थे वो पहली बारी मेरे को ये खबर पता है मैं देख के नहीं आया हाँ कंटिन्यू भाई पूरा चंडीगढ़ पहुंच गया था वो व्हाइट टाइगर देख देख सही है मेरे को इतनी बड़ी चीज थी कि व्हाइट टाइगर आ गए भाई मैं न्यूज पेपर में आर्टिकल ही छपते रहे थे जितना मेरे को याद है आई रिमेम्बर गोइंग एंड सीइंग द व्हाइट टाइगर यार सुंदर तो बहुत है ब्रो टाइगर एक ही वर्ड आता है उसको देख के एलिगेंट लायन या टाइगर ओ ब्रो मैंने लायन देखा नहीं है वैसे आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं अपना आइड से टाइगर तो वहां गए रणथंभौर नेशनल पार्क और अब जैसे कहीं टाइगर चल रहा है तो कई सारे जानवर कॉलिंग करते हैं जैसे और ये जो हमको लेके जा रहे होते हैं ना गाइड और ड्राइवर दे नो ऑल दोस कॉज दे नो वेयर द टाइगर इज दे नो द कोर एरिया दे नो कि भैया ये जानवर क्या बोल रहा है तो अपेरेंटली आई डोंट नो आई मे बी रॉन्ग 3-4 जानवर हैं जो कॉलिंग करते हैं टाइगर के आने पे तो हम वहां गए और ऑब्वियसली रणथंभौर तो जा रहे हैं हम टाइगर देखने और अपा वहां पे बैठे हैं गाड़ी के अंदर और माहौल बनाया हुआ हमारे गाइड ने ऐसा कि भाई क्या होने वाला है पता नहीं और टेंस माहौल वी आर इन द टाइगर एरिया और भाई दिखेगा स्पॉट होगा और कॉलिंग हुई ब्रो ऐसे और ब्रो ब्रेक मारी और ऐसे कि भाई कान खड़े हो हमारे हिल स्टेशन की तरह कि भाई अब दिखेगा टाइगर दिखेगा और उसने ऐसे इशारे वो देखो ने क्या देखो टाइगर की लिद सो या दैट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस आई सॉ द लिद ये हमारे साथ भी कर रहा था जिम कॉर्बेट में और इन इंग्लिश द टाइगर शिट बड़ी थी काफी मैंने पूछा भी था ना हाथी की किसकी हाँ यार मतलब ये हमारे साथ भी हुआ था व्हेन वी वेंट टू जिम कॉर्बेट पार्क ना यही हुआ था ऑल वी सॉ वाज अ टाइगर शिट एंड वी केम बैक देयर वी ऑल वी सॉ वाज अ डियर मंकीज A monkey getting slapped by another monkey and bus. Tiger ki potty dikha di thi unhone. Mere khayal se they keep it there.
मतलब मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ, इट इज अ प्रैक्टिकल जोक राइट, मतलब उनके लिए क्या पता ये होगा कि हाँ भाई तूने क्या क्या दिखा, मैंने टाइगर दिखाया, तूने क्या दिखाया, वही सेम ओल्ड टाइगर की पॉडी, इसका सामान हम कुछ नहीं रहते इसमें, बट द होल एक्सपीरियंस ऑफ द जंगल इज अमेजिंग ब्रो। थोड़ा स्कैरी लगता है मेरे को जंगल, वही तो बेस्ट पार्ट है, इट्स लाइक बीइंग इन द सी, यू डोंट नो व्हाट्स बिहाइंड दोस द ग्रीन कर्टन ऑफ द फॉरेस्ट द ट्रीज एंड एवरीथिंग, इट्स दैट मिस्ट्री यू नो। जैसे मुझे याद है मैं चेन्नई था और वहां के मछुआरे से मेरी दोस्ती होगी, उसकी बोट, वो मच्छी पकड़ने जा रहा था, उसमें रस्सी लगाई, छोटा सा बोर्ड लगाया, उसमें मैं चला गया, एंड आई वाज जस्ट मतलब ही वाज क्रूजिंग उस पे, और मैं पीछे उस बोर्ड पे हूँ, एंड आई फेल दिस द होल सी अंडरनीथ मी व्हिच वाज द फैक्ट, और मुझे ऐसे फील हो रहा है ओ शिट मेरे नीचे पूरी दुनिया है भाई, और मैं अकेला हूँ, फेल्ट सो वल्नरेबल, इट्स लाइक बीइंग इन स्पेस, मेरे साथ ऐसा हुआ शब्द, ओह वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस। हाँ पानी थोड़ा गंदा था बट वो जो रश आता है ना अंदर, I feel the same in any mountain wherever I go, either a jungle or to the sea. ये वाइब तो। कभी आपने सोचा अब एवरेस्ट चढ़ो? मैंने ये सोचा मुझे 25 लाख चाहिए उसके लिए, वो मैं तब लाऊंगा, तब मैं चढ़ने की सोचूंगा। चलो चार पांच छह एल्बम और निकालनी पड़ेंगे यार, पता है शब्द मेरा सीन ना, मेरे को एवरेस्ट चढ़ने का सीन नहीं है, पहले तो मैं आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरे को है कि मैं एटलीस्ट मैं यहाँ अपनी छत से एक कसौली देखता हूँ, उसके साथ टिम्बल टेबल का पहाड़ देखता हूँ, उसके साइड पर अगर ऐसे से जस्ट जैसी वो द ढलान ऑफ द हिल राइट, देयर इज द स्मॉल, देयर इज दिस ट्री, फ्रॉम हियर इट लुक्स स्मॉल, आई एम श्योर इट बी द बिगेस्ट ट्री ऑन दैट हिल, ऑन दैट माउंटेन, वो दिखता है मेरे को यहाँ से। मेरे को कभी कभी मन होता है मैं यहाँ से पैदल चल के जाऊँ, पैदल, और उस पेड़ पे चढ़ के वापस आ जाऊँ, मैं ये तक नहीं कर सका, मैं एवरेज कैसे करूंगा यार। अब पेड़ चढ़ सकते हो? डिपेंड करता है ऊपर ऐसा क्या है, ऊपर कौन मिलेगा, बेम तो मिलने नहीं वाली छत पे आपको। डिपेंड करता है, अगर ऊपर तीन चार दोस्त बैठे हुए हैं और किताब पढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है, कह रहे बहुत सही, तो चढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ ये भी, खाकटा जी बैठे हुए एप्पल ट्री के ऊपर अपने, फिर तो चढ़ना ही पड़ेगा। एक बात बताओ शब्द, वैसे अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आर यू अ फूडी, वो तो कहेगा ऑफ कोर्स आई एम अ फूडी, कौन ऐसा जो फूडी नहीं होता। व्हाट्स दैट मील दैट यू वांट टू ईट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि यार ये मिल जाए मेरे को, मैं 18 बार खा लूंगा दिन में 36 साल के लिए। थाई फूड भाई, कोई भी थाई डिश दे दो, आई कैन हैव इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ वेरी हैप्पीली, रोज सुबह शाम रात। बस एक वो और एक दही, उसके साथ दही नहीं नहीं अलग से, बट दही रिक्वायर्ड है मेरे को। हाउ डू से दही? योगर्ट। नो नो नो, हिंदी में दही, मैं दही बोलता हूँ, दही, DHAI, शायद मैं गलत बोलता हूँ, पता है दही दही होता है, आई थिंक सो, ये हम ध लगा देते हैं दही। अच्छा, यू वांट टू हैव दही विद थाई करी? अलग से, आधे घंटे का गैप देख, एनी थाई कुजीन, कोई कुछ भी चलता है, एनी थाई डिश वर्क्स, पॉट थाई होए, ग्रीन करी, रेड करी, येलो करी, ओए होए, फ्रेश। इंडिया में आप बहुत वो करते हैं यार, मसाले डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, ऑफ हो जाती है वो चीज। शब्द, हमारे जो घर पे हेल्प है, एक बार इसके हाथ का थाई करी प्लीज खा लेना मेरी तरफ से, मैं आपके पास स्पेशल ले आऊंगा, एक बार खा लेना, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कैसा बनता है। आप फिर मुझे ये भी दे सकते हो अपडेट की, यार गाइस तुम जो खा रहे हो ना वो बहुत इंडियन अपडेट है उसका, ठीक है, ये असल नहीं है, ये बता सकते हो आप मेरे को, ठीक है डन। और आपको मैं टेस्ट जरूर कराना चाहता हूँ। Thai food is the goat. अच्छा, if any food has cream in it, you won't mind, right? Coconut cream होती है Thai food में, वो coconut milk होता है। I think, yeah. He puts that, हाँ. Coconut milk होता है, उसमें Thai green curry में, सारी curries में होता है उनके, तभी वो थोड़ी thick बनती है। But वैसे यार ठीक ही होता है। Every now and then butter chicken में अच्छा लगता है, वैसे लेके आते हैं ना, स्वागत का खा के ना तुम पॉइंट जरूर यहाँ जाते हो, उसके बाद जो क्रैश होता है ना अगले दिन के, ओ फक भाई, नॉट इवन अगले दिन भाई, तुम रेस्टोरेंट से बाहर निकलो ना, तुम ऐसे होते हो, ये मैंने क्यों करा है, आई कुड हैव इजीली अवॉइडेड दिस। बस मैं आज तक नहीं गया स्वागत खाना खाने, आज तक घर मंगाए, एक बार गया हूँ शायद, घर मंगवाया और ब्रो अमेजिंग खाना था,
रिग्रेट उसी सेकंड होती है जैसे ही तुम खा लेते हो। भाई मैं जब भी जंक खाता हूँ चाहे वो कहीं का भी हो मेरे को रिग्रेट होती है। मेरा तो सबसे सही स्पॉट लाइक द मील दैट आई कैन हैव फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद रिग्रेट ऑब्वियसली जब मैंने खा लिया तो मेरे को होता ओह शिट यार अब इसको निकालना पड़ेगा बट इज दैट चिकन फिले बर्गर हॉट मिलियंस वो भी जोमैटो से नहीं खुद फोन करके हाँ जी भैया 17 वाले में मिलता है अभी भी। अब तो पंचकूला वाला मॉडर्नाइज हो गया हॉट मिलियंस। हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दो हॉट मिलियंस क्या है। आप करो। सदियों पुरानी एक चेन है भाई फास्ट फूड मिलता है वहां पे हर तरीके का। एक वहां पे उनका चिली चिकन पिज्जा होता था वो ब्रो सेम। वो तो मैंने अब धीरे धीरे कम कर दिया। पहले आई यूज्ड टू हैव दिस होल कॉम्बो ऑफ चिकन फिले बर्गर विद चीज व्हाट वाज चिली चिकन पिज्जा चिली चिकन पिज्जा और साथ में अपना दो तीन कोक तो एटलीस्ट एक ग्लास में बर्फ भर के। Then I reduced it to just a chicken fillet burger. और मैं French fries मंगवाता हूँ घर बनवाता हूँ घर पे healthy olive oil में अपना air fryer वो air fryer right air fryer में। आपने मेरा वो जो three influential people वाला तो चलो it's okay you bypassed it। अब मैं आपसे और simplify कर देता हूँ। If you wanted to sip coffee with somebody an interesting person who would that person be? Kanye West। बहुत interesting बंदा है भाई वो बंदा। He is musically तो चलो है ही जब पता ही है सबको वो है मतलब he is if not one of the most influential वो है like he his discography says a lot but हाँ Kanye West अभी अगर dead हो then पता नहीं I don't know who from the past I'd like to sit with I can only think about right now Kanye West। जब आप स्कूल में थे what's that fond memory where you got introduced to music when the music really hit you कि wow man this makes me feel good what was that experience do you remember that कौन सा बैंड था guess करो। Pink Floyd। नहीं यार see sorry it's just a random word. Early childhood मतलब first bands कौन से होते हैं जो let me see किसने सुनाया शिखर ने मतलब शिखर स्कूल हर जगह वो ही बजता था एक पॉइंट पे। शिखर आपसे कितने साल बड़ा है? चार। शिखर आपसे चार साल बड़ा है और वो सुन रहा है सेंट जॉन्स में अगर कोई। अच्छा एक चीज बता दो भाई साउथ एशियन बैंड है? नहीं बाहर का ही है। देखो यार सेंट जॉन्स आई एम अज्यूमिंग मेटालिका आई डोंट नो लिंकिन पार्क। लिंकिन पार्क का नम था और जो हाइब्रिड थ्योरी एक उनकी एल्बम थी एक नम था उसमें मीटियोरा थी हाइब्रिड थ्योरी थी दो एल्बम थी उनकी। इन द एंड था नम था और एक और गाना था जो मेरे को याद नहीं आ रहा। ब्रो आई एग्री ऐसा चांटा पड़ा था ना लाइफ का कि ओ फक ये क्या सुन लिया भाई तुमने। उसके बाद वो लाइम वायर वगैरह वाला सिस्टम मेरे घर पे शुरू हुआ था कि अब हम लाइम वायर से डाउनलोड करेंगे बिकॉज ये गाना हर जगह चाहिए मेरे को। आई वॉन्टेड प्लेइंग 24/7 7 out of 7 days वो बस बचता रहे भाई वो लिंकिन पार्क की वो एल्बम लूप पे चलती रहे। I like it हाँ वो सही था यार और उनकी साउंड अलग थी उस टाइम के लिए। कौन भाई वो चेस्टर बेनिंगटन था आई थिंक रेस्ट इन पीस। ही यूज्ड टू स्क्रीम हिज लंग्स आउट ऑन द माइक ब्रो बाहर निकल आते भाई के फेफड़े इतनी जोर-जोर की चलाता था। गुड वो था पैशनेट म्यूजिक है ना और yeah. सही था यार। और कौन से बैंड्स आपको पसंद है टू नेम अ फ्यू अभी आजकल बता दो। एक तो दैट बॉय रॉबी करके एक ना है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बैंड्स है पता नहीं कहाँ का है मैंने सुना नहीं कभी। चंडीगढ़ का ही है अपने डूड हमारे शहर से। हाँ किलिंग इट है। हाँ आई थिंक इसी सेम बिल्डिंग में रहता वो बंदा। ये तो घर है तो इसी घर में रहता वो आई थिंक। क्या बात कर रहे हमको पता भी नहीं भैया। और पिंक फ्लॉयड तो चलो एवरग्रीन वो तो लूप लगा ही रहता। आजकल प्रवास सुन रहा था बिकॉज गिग थी अभी रिसेंटली। उनका कई गाने मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम श्योर या कई गाने यहाँ पे कई लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता वो बैंड ज्यादा कैमरे के पीछे ना। कैमरे के पीछे हाँ बट और कौन है पीटर कैट है लाइक दीस गाइस आर किलिंग इट यार। कंटेंट इज फायर ब्रो किलिंग इट। विजन बहुत सही है उनकी इंस्पिरेशन ब्रो।
I heard them for the first time in 2011, I think, and it's Seven Noida. Acha. मैंने कहा ये क्या बज रहा है भारत में ये क्या बज रहा है भाई और दिल्ली में बैठे हुए ये नोएडा में बज रहा है भैया मैंने कहा ये क्या है तुम I got that sudden hit of inspiration from these people यार मेन चीज तो ये होता है ना कि if a person hits you somewhere और वो हो गया ना मेरे साथ इस बैंड के साथ चाहे मैंने इनका म्यूजिक इतना सुना ना हो but I like their approach I like their no nonsense the vision right or maybe nonsense in a very positive way अच्छा है लाइक जो वो करते हैं रिस्पेक्ट मैंने तो पहली बार ही वो लिफाफा सुना था लिफाफा से मैं पीटर कैट पे पहुंचा था ये वो भी सोलो प्रोजेक्ट भी अमेजिंग कर रहा बंदा यार एक और मेरे को सुनने में आया एक और सोलो प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है मेरे को नाम नूम कुछ नहीं पता उसका अभी ये मत बोल देना वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है रहती है ठीक है वो टाइम जब आएगा तब बात करेंगे उसकी बॉस मेरी फेवरेट मूवी है एडवर्ड सिजरहैंड्स क्यों जॉनी डेप वाली जिसमें वो हाथ में कैंची होती है उसके वो टेक्स मी टू अ स्पेशल प्लेस व्हेनेवर आई सी इट क्यों मे बी द वे दे हैव शॉट इट द होल विजुअल मतलब कि जो नेबरहुड भी है इट्स ऐसा लगता ही नहीं अर्थ पे है मेरे को तो उस मूवी को देख के ऐसा लगता है अमेजिंग मूवी इट्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट मूवीज टू माय हार्ट जो मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है व्हाट्स योर फेवरेट मूवी मैं इतनी मूवीज देखता ही नहीं एक आती तो होगी यार जोजी तो भी सिकंदर यार मूवीज सोचना पड़ेगा ऐसे आई रिमेम्बर जेंगो अनचेन्ड व्हाट अ फकिंग मूवी टू गुड वो That shit slaps. बहुत ही cool है यार वो. Boss, Quentin तो उसके ऊपर क्या है भाई? मतलब I think वो best है उसकी movie. बाकी मेरे को Dark Knight बड़ी पसंद है. कौन सी वाली? वो Bane वाली? नहीं नहीं, Joker वाली. The Dark Knight. क्या Joker वाली मैंने ढंग से देखी नहीं यार. Too good. तो I think थोड़ी overhyped है. कौन सी वाली? The Dark Knight. बहुत अच्छी है. I think थोड़ी overhyped है. Which one are you talking about? The Joker one, right? Yeah. So you said you liked the Joker wali. Yeah, but it's overhyped. I think it's purely because Heath Ledger passed right after the movie released. Okay. I think लोग उसको best movie of all time कहते हैं, पर नहीं है best movie of all time नहीं है. Avengers वाली मेरे को सारी पसंद. I like all the Marvel movies. मैं नहीं देखता था. Good shit यार मतलब You can shut your brain off for 2 hours and just be engrossed in. Takes you to another world. अभी नई जो Spider-Man आ रही है वो उसके लिए I am fucking excited bro. आपने पुरानी वाली देखी है Spider-Man? मैं तो शुरुआत वाली देखी है भाई. हाँ, आपको पता है ना क्या हो रहा है नई वाली में इन्होंने सारे villains एक जगह कर दिए हैं ऐसा था? सारे villains और सारे Spider-Man multiverse बन रहा है. It's all connected. Mm-hmm. So it's good. Like, I am excited as hell for it. आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? I don't read books. Not at all. बनता ही नहीं इतना concentration. I cannot. थोड़ा अगर podcast format होता तो बड़ा अच्छा लगता मेरे को. हाँ सुनने वाला system से. हाँ I can't read. मेरी वो बनता ही नहीं है. मैंने waver करता रहता concentration level. एक चीज बता कोई ऐसा सजेशन कोई ऐसा एडवाइस दैट हैज स्टक विद यू फॉर लाइफ लाइक कोई है ऐसा कि यार समबडी टोल्ड मी कि सुबह उठ के 4 ग्लास पानी पीना है एंड दैट थिंग स्टक विद मी किसी ने बोला कि यार यू नो यू शुड मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग यू शुड मैनिफेस्ट व्हाट यू आर गोना डू द नेक्स्ट डे ऐसा कुछ है एडवाइस किसी का जो द थिंग दैट यू वांट टू शेयर दैट हैज स्टक विद यू अगर सुबह पॉटी नहीं करोगे तो पूरा दिन गंदा जाएगा राइटली सो Makes sense. The most important. भाई मेरे को याद भी नहीं या किसने बताया था but I agree with that advice. क्या था एक बार repeat करना? You don't poop in the morning. Your day is gonna be shit. Nice. So 2021 तो खत्म हो गया है. दो महीने. कुछ ऐसी चीजें हैं जो रहेगी कि that the things that you couldn't do this year that you want to do in these last 2 months. Have you achieved your goals 2021 goals? मेरे को करना मेरे को यार चार और चीजें सीखनी थी इस साल में
एक मैंने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सीखनी थी। शब्द उसमें तो किल कर दोगे आप यार, ये सीखो सब कुछ यार। यार फ्रेम बाय फ्रेम करना ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत है यार। शब्द एक बात, आपके लिए कुछ है डिफिकल्ट? हाँ बहुत चीज़ आप अपने कॉन्सेंट्रेशन से लगे हुए हो। मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू स्लो डाउन टाइम ना, व्हेन एवर यू आर इनटू समथिंग यू जस्ट स्लो इट डाउन। फॉर एग्जांपल यू आर स्टक समवेयर, ओके दैट्स माय एक्सपीरियंस। आई एम स्टक इन अ पार्ट वेयर आई कांट फिगर इट आउट। यू स्टॉप एंड यू गिव दैट पार्ट अ डे, मे बी मोर, एंड सडनली यू रियलाइज दैट व्हेन यू स्लो डाउन यू कैन ईजिली डिसाइफर इट, यू कैन ईजिली जस्ट गेट योर अंदर फंस के, यू जस्ट गेट दैट थिंग राइट। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जस्ट स्लो इट डाउन। सो फ्रेम बाय फ्रेम वाला जो आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है, जस्ट टेक अ बैक सीट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। एंड बात वो नहीं है, बात ये है कि इलस्ट्रेशन में टाइम लगता है। इलस्ट्रेशन बिकॉज एवरी फ्रेम, अगर मैं ये भी कर रहा हूँ, दिस इज एटलीस्ट 12 ड्रॉइंग्स ब्रो, 12 फॉर हियर 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 हियर। द मोर यू मूव योर फिंगर, आपको हर एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। इवन आप एक इंच भी अगर आप ला रहे हो और उसकी मूवमेंट दिखाने के लिए आपको या तो वो लाइन्स दो और यू मेक मोर फ्रेम्स ऑफ इट, हर एक चीज को बनाओ, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है और इतना टाइम निकल ही नहीं सकता। पता नहीं ये सिम्पसन्स वगैरह कैसे करते थे, पहले तो सारा फ्रेम बाय फ्रेम ही होता था। मेरे ख्याल से लोग ज्यादा बट देन यू असाइन फ्रेम्स टू, बट देन आर्ट स्टाइल चेंज होता रहता है ना। हम थोड़े मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म किंग्स है ना, यहाँ पे पुराने स्टाइल से तो लगना नहीं। हाउ इज चंडीगढ़ ट्रीटिंग यू, दिस सिटी, हाउ इज इट हेल्प, इज इट हेल्पिंग यू ग्रो, इज इट, व्हाट्स योर स्टोरी विद दिस सिटी करंटली? यस नाइस, अभी सही है। अभी आई थिंक आई एम सराउंडेड बाई पीपल हु आर वेरी लाइक माइंडेड, बट बिफोर दिस तो इन कॉलेज इट वाज शिट ब्रो, आई हेटेड इट। जैसे मेरे लिए तो चंडीगढ़ इज द बेस्ट प्लेस टू बी, इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग यू हैव इंस्पिरेशन ऑल अराउंड यू। आप निकलो अच्छे से पार्क में जाओ, सुंदर पार्क है, मेंटेन्ड है। एक पार्क मन नहीं कर रहा, दूसरे पार्क में चले जाओ, फिर वहां से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको आर्किटेक्चर दिखेगा। आई मीन आई रिमेम्बर समबडी टोल्ड मी दैट दिस सिटी वाज डिजाइंड अपेरेंटली, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, दिस सिटी वाज डिजाइंड बाय अ पर्सन हु डिडंट होल्ड एनी डिग्री इन आर्किटेक्चर। नो, ही वाज एन आर्टिस्ट। इमेजिन यू लिविंग इन अ सिटी मेड बाय एन आर्टिस्ट, व्हिच इज सो लाइक कितना आई कैंडी होता होगा ना इंस्पिरेशन के लिए इस जगह में। आपको ये पता है चंडीगढ़ में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे ऑल गो थ्रू अ पार्क। नोटिस करा आपने कभी? बॉस व्हाट एन ऑब्जर्वेशन, यू आर राइट। जैसे 10 हेक्टर का है इसके आगे पार्क है छोटा सा, बट व्हाई इज दैट? ताकि आप यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय शेड व्हेन यू आर गोइंग इनटू स्कूल। ये आई थिंक द लॉजिक इज दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई वॉच्ड इट इन अ यूट्यूब वीडियो अबाउट चंडीगढ़, बट नाइस गुड वीडियो। पर वैसे आपको पता है कॉर्बूजियर को बहुत गालियां पड़ती हैं फ्रॉम आर्किटेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। यार यहाँ के तो सारे, जो मेरी नीस है वो इधर पढ़ रही है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में, ये लोग तो दे स्टडी हिम, मतलब इनके आई मीन द पर्सन हु डिजाइन दिस रूम, उसने भी, मैंने उसको मतलब एक वो दिया था कि आई वांट दोस स्ट्रेट, अगर एक दीवार है उसके अंदर कम से कम 10 विंडोज होनी चाहिए, वो वाली वाइब जो कॉर्बूजियर की है, ताकि क्रॉस फिट बने। सो उसका भी एक बड़ा सही ली कार्बूजियर वाला इफेक्ट था कि भैया इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या आपने बिल्डिंग देखी है यहाँ पे, इसको हम ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ के तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, आई थिंक सराउंडिंग, बिकॉज़ दे आर सराउंडेड बाय हिज वर्क। पेरिस में अपेरेंटली ही वाज गोइंग टू बी डेजिग्नेटेड, एंड देन जो अभी तक उनकी वो बिल्डिंग्स हैं व्हिच दे हैव मेंटेन्ड फ्रॉम द इयर्स एंड डेकेड्स गॉन बाय, ही वाज अपेरेंटली ट्राइंग टू गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दैट and make it more, you know, flat. वो character जो है उन buildings का, वो सारा हटाने वाला था। जो एक वो architecture, वो नहीं है like that Victorian era वाला, जैसे obviously मेरे को नाम नहीं पता, I'm not an architect expert, but वो जो था, he was apparently trying to remove that. So
So then a lot of people from France hate him apparently. ये मेरे को अभी खुद नहीं पता ये क्या चीज़ है. I might be just chatting shit. बढ़िया. आपके cheat days होते हैं? और अगर सिर्फ cheat days में मीठा खाते हो या फिर वैसे भी आपको मन कर जाता है कुछ खाने में मीठा? ये मन बहुत करता है खाते हैं. मेरे को भी बहुत मन करता है बॉस. I fucking love ice cream. That's your favorite dessert? कुछ और? कोई केक यहाँ पे? खांसी थी वैसे. मुझे भी आ गई. The coffee. नहीं सीरियसली, ये सीरियस वाली थी. हाँ अच्छा. डेजर्ट में यार मेरे को गुलाब जामुन, आई डोंट लाइक इंडियन स्वीट, मेरे को बहुत मीठी लगती हैं. लाइक द टू मीठा फ्रॉम माय टेस्ट, वो थोड़ा सटलिटी. चीज केक, अ गुड चीज केक इज अ रेरिटी. न्यूयॉर्क चीज केक ऊपर डालो एक ब्लूबेरी का डॉलप. शेफ्स केस. मजा ही आ जाता है यार, अलग फील है उस चीज की. नॉट व्हिप्ड क्रीम वाला, जो क्रीम चीज जो होता है. हाँ, वो. हाँ, जो बेक्ड होता है. मुझे पसंद है मीठे में. यार मेरे को तो जब मीठा का वो होता है, मैं तो अपना म्यूसली विद ठंडा मिल्क, एंड आई ऑलमोस्ट पुट लाइक हाफ द थिंग ऑफ न्यूटेला, हाफ द बॉटल ऑफ न्यूटेला उसके अंदर. मैं तो उसमें डूब जाता हूँ बॉस. घर की जो चीट मील होती है मेरी. नाइस. वर्कआउट क्या कर रहे हो आजकल? बंद करा भाई. साइकिलिंग तो करते हो आप? करता था till my cycle got spoiled last week. So you stopped working out? नहीं नहीं. What was so important in life? Saturday को there was his wedding I was supposed to attend. Then I attended. Do you know about this wedding? Huh? Do you know about this wedding? Yeah yeah. You were involved heavily in the wedding. अच्छा. So if you come back to the workout? Cycling and gym. Weights. Where do you work out? Gym. घर पे बनाया हुआ? नहीं नहीं. I only have like 5 dumbbells बस. उसमें हो जाता है? सब done and dusted. Ankle weights भी ले लिए थे. वो resistance band भी है. पर और क्या चाहिए भाई? आप तरीके से करो तो. You're right. बाकी gym तो is just accessories to your 5 major, जो आपकी major movements हैं थोड़ी बहुत. उसकी accessories ही हैं. अब जो chest press हो, essentially वो है तो dumbbell press ही है, bench press ही है. You don't need more those machines to do that. Yeah. Yeah. Zameen se judi exercise hai. Bench hai bas, aur kya chahiye? Aap kya kar rahe ho aajkal workout? So since you mentioned that I was heavily involved in a thing last weekend, tab tak mera workout nahi chal raha tha. Ab I'm making a shift. Earlier I was into CrossFit, which was amazing, and for a year did CrossFit aur bahut sahi chal raha tha. अब आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट. बॉडी को थोड़ा ब्रेक दो. सो दिस वन और टू मंथ्स इज गोना बी जस्ट कार्डियो, जिसमें मैं रनिंग रनिंग करूंगा, थोड़ा मैराथन वाइब्स, एंड देन मे बी आई गेट बैक इनटू क्रॉसफिट और पर्सनल ट्रेनिंग और व्हाटएवर. ये है मेरा आजकल का. आज आप साइकिलिंग चल रहे हैं? देखना पड़ेगा. साइकिल ठीक कराओगे? पता नहीं कब तो ठीक होगी आपकी साइकिल. ये आज तो ठीक नहीं हो सकती ना, दिवाली चल रही है ब्रो. अरे यार आज तो शाम को करना पड़ेगा वर्कआउट पटाखों से पहले, उसके बाद नहीं हो सकता. रनिंग करते हो आप? कर लेता हूँ वैसे तो. I just haven't done it for quite some time. एक बार ही करा था मैंने, हाफ मैराथन इन चंडीगढ़ अकेले खुद. It's fun. मैं निकला था, I think I jogged for 12 kilometers. Nice. It's good. Nice, nice. तो मैंने अब aim बनाया कि at least for another 2 months I'm just gonna run. क्योंकि मेरे को वो चाहिए थोड़ा अब वो repetitive. एक यू नो मेरी बॉडी को मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहिए एक चीज जो मैं बार बार कर रहा हूँ एक घंटे के लिए. क्योंकि क्रॉसफिट था, क्रॉसफिट सही था, देयर वाज अ चेंज इन वर्कआउट एवरी डे. अब मुझे करना है थोड़ा, यू नो इट्स जस्ट कमिंग बैक टू द रूट्स एंड मे बी देन आई. अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी हमने एक म्यूजिक वीडियो देखा था जिसमें आप स्टार कर रहे थे. मैं और मेरे साथ मेरे बहुत खास दोस्त, तीन और खास दोस्त. बिल्कुल. और बाकी मिशेलेनियस और तो उसमें आप सेक्टर 17 के फाउंटेन के पास में आप कुछ कर रहे थे, वो क्या था? वो एक डांस फॉर्म था कि एक योगा था, क्या था वो?
So basically, Riddhi, who is Parth's sister, Parth, who is the drummer in the band, and Riddhi is a Kathak dancer, top notch. And obviously, when you have strong roots in a certain form of dance, you can easily just इधर उधर होके आ सकते हो बाकी डांस फॉर्म्स में भी. तो मैंने उसको बोला यार इस गाने के हिसाब से रीति क्या करना चाहिए, मेरे को आप कोरियोग्राफ करो, मेरे को डांस करने का मन है भैया, मैं नहीं कर सकता फ्रेम के सामने, कुछ हरकतें करवा लो मेरे से. उसने फिर आइडिया दिया कि इसमें भैया आप ताइची करो. अब मैं जो कर रहा हूँ किसी भी टी ताइची कर रहा हूँ. तो शी लर्न दो स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग एंड शी मेड मी लर्न दैट एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड आई लर्न ऑल दो स्टेप्स जो इतनी अच्छी तरीके से नहीं आए. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर people who do the tai chi. और ये मैंने शायद उसका एक बहुत ही गंदा वो किया होगा, but it's my way of maybe saying that one day I'll try to delve myself into that art form of tai chi. So वो कर रहा था मैं tai chi. वैसे sorry continue. No, that was the thing. Yeah, I was doing tai chi. मैं यही पूछ रहा था आपको डांस कैसा लगता है यार. आजकल मेरे को कुछ हो गया डांस के साथ यार. अभी मैंने एक आधा वो किया, मेरे घर वाले कह रहे थे लचक है बेटा तेरे में. क्या लचक ये तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यार डांस डूंस किया जाए. वर्कआउट के लिए भी ठीक है. कभी मेरे मन में आता है डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ मैं, भंगड़ा टाइप्स यू नो. मैंने करी थी एक बार लाइफ में. आई डिड फॉर अ ईयर अटेंडेड अ डांस क्लास. आई वाज इन क्लास 5. आई वाज वेरी फैट. घर वालों ने बोला बेटा तुम्हें पतला होने की जरूरत, तुम जाओ डांस क्लास. यू गेट ड्रीम्स समटाइम्स, कभी कभी नहीं होता, कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक स्लीप होती है, बड़ा अच्छा लगता है. पर कई दिन तो इतने विविड ड्रीम्स आते हैं ना. एक मेरा ड्रीम है जो मेरे को सिर्फ फीवर में आता है. यू नो अबाउट फीवर ड्रीम्स ना. नॉट एट ऑल. फीवर या व्हेन यू आर रनिंग अ टेंपरेचर. सो आपने हैव यू एवर रियलाइज दैट your dreams become much more intense. बहुत ही intense dreams आने लग जाते हैं. वो एक recurring dream है जो मेरे को आता है. It's just this room, वहाँ पे rubber band ball है. It's a white room और उसमें बस एक rubber band ball है. बस ये dream. वो loop लग जाता है. कुछ ना कुछ हो रहा होता है उसके साथ. तो आप क्या उसको देख रहे होते हो? हाँ. बस यही है वो ड्रीम के उसमें एक रबर बैंड बॉल. बड़ी वियर्ड लगती है वो चीज मेरे को. कब से आ रहा है आपको ये वाला सपना? काफी टाइम हो गया. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कैन रिमेंबर इट. ये हर बार ही होता है. देखो 2021 चल रही है. 2021 में अगर मैं कहूंगा किसी को स्ट्रेस है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा. हर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस है एक तरह का. कैसे रिलीव करते हो आप उसका? व्हाट्स योर get away from stress? How do you punch it out of your life? Working out and work. Best. Khojo. Get lost in your work. Get lost in the things that you know, demand your attention and energy. Dekho, logo pe invest karoge energy to aur stress aayega life mein 100%. Samajh rahe ho? मेरे ख्याल से लोगों पे तभी इन्वेस्ट करो ना जब तुम्हारे अंदर वो एनर्जी हो उनकी एनर्जी को वो करने के लिए. कुछ ऐसा मतलब यू शुड बी बैलेंस्ड इनफ टू सपोर्ट समबडी एल्स यू नो. मेरे ख्याल से आजकल तो जंग खुद से ही चली हुई है. इजंट इट? आई एग्री. वेरी डिफिकल्ट. वर्किंग आउट रियली हेल्प्स. काफी इंटरेस्टिंग लगता है वर्कआउट करना. मेरे को तो ऐसा हो जाता है यार. आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कोई छोटी मोटी स्ट्रेस की बात है रात तक रहता है उसके बाद अगले दिन आई फॉरगेट अबाउट कैसे इट्स जस्ट गॉन. मे बी आई वर्क आउट यू नो आई जस्ट चैनल ऑल दैट व्हाटएवर इट इज पसीने में और बह गया और वो हो गया. ऐसा एक बार हुआ होगा साल में कि मेरे को रात को नींद नहीं आई. एक बार. कॉफी ज्यादा पी ली उस दिन? नहीं कुछ हो गया था. हम आखिरी सवाल पे आ चुके हैं सो कॉल्ड कॉन्वर्सेशन या फिर मैं कहूंगा सांझे के. कैसा लगा आपको शब्द यहाँ आके? हाउ इज द वाइब? हाउ इज द होल सांझा? यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट इफ यू डोंट. आई लव दिस रूम ब्रो. ये कॉर्नर कोजी कॉर्नर है वैसे. देखो ये ऊपर वाला नीचे वाला जो नीचे वाला पिलोस लगे हुए हैं. हां गुड वाइब्स ओनली. और मजा आया आपको बात करके? हां
क्या बोर कर रहे हैं मेरे को यार, ये सवाल तो 50,000 लोगों ने मेरे से पूछा हुआ, ऐसा तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, क्यों होएगा ऐसा? आपको कैसा लगा होस्टिंग योर फर्स्ट पॉडकास्ट? It was smooth as F, bro. Smooth as F. पता भी नहीं चला. हाँ, एक चीज देखो, क्योंकि पॉजिटिव चीज होती है इन सब चीजों से. मुझे पता है मेरे को अगली म्यूजिक वीडियो के अंदर मेरे को पता है मेरे को क्या डाल. शब्द की चुराई हुई सतरंगी जैकेट. ऐसा गिनते हैं वैसे अभी कितने कलर हैं? 1, 2, 3. Don't tell me इसमें 7 ही होंगे. 4, 5. 5 है. 4 है. No. So we have this blue, pink. Yeah. Four colors. Maybe पीछे भी एक हो. I don't know. मेरे ख्याल